किसी ने कभी हनूत शुदा जानवर नहीं देखे तो अल्हम्रा आर्ट गैलरी का रुख करें, जहां आजकल स्वरूप सूफी के फनपारों की नुमाइश जारी है, जिनमें शुतुरमुर्ग, खरगोश, गधे और कबूतर जैसे जानवरों को हनूत करके जानवरों की जबिल्लत को इंसानी रवैयों से मुताबकत देने की कोशिश की गई है। स्वरूप सूफी ने अपने फनपारों में मुआशरती रवैयों और नजरियात को तंजो मिजाज के पैराए में पेश किया है। एक जानिब शुतुरमुर्ग है जो मसाइब से बचने के लिए जमीन में मुंह दबाए बैठा है, तो दूसरी जानिब एक गधा है जो आंखों पर खुशनुमा पट्टी की बदौलत अपनी ही दुनिया में मगन है। कहीं खरगोश जावेदानी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और कहीं खामोश अफसरदा वजूद तवज्जो का मरकज है। माई इंस्पिरेशन इज माई पर्सनल लाइफ एंड माई सराउंडिंग्स। मैं उनसे चीज़ें उठाती हूँ और फिर उन पर काम करती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट आई जक्स्टपोज ब्यूटी विद मॉर्बिडिटी, दोनों को एक लेवल पे ले आती हूँ। आर्टिस्ट ने मुआशरे में मौजूद सिन्फी इम्तियाज को कबूतरों के रूप में पेश किया है। आर्टिस्ट की इस मुनफरिद फनकाराना काविश ने शायकीन को आर्ट गैलरी की जानिब आने पर मजबूर किया। इतना कम स्कल्पचर हो रहा है तो इसमें आई थिंक हम अल्हम्रा में बहुत खुश हैं कि स्कल्पचर की इतनी मज़े की और इतनी नई और इतनी इनोवेटिव एग्जीबिशन आई है। जिंदगी के हकीकी पहलुओं को खूबसूरती के साथ महफूज बनाने पर शायकीन ने स्वरूप के फन की खूब दाद दी और नुमाइश को एक उम्दा कोशिश करार दिया। मुख्तलिफ जज्बों और माशरती रवैयों को टैक्सीडर्मी के अंदाज में यकजा करके आर्टिस्ट ने पाकिस्तानी स्कल्पचर आर्ट को एक खूबसूरत शक्ल दी है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ मोहम्मद तौसीफ सभी समा लाहौर।